यादों के धागों में हम तुम बंधे हैं, जरा डोर तुम थाम लो, बाहों में फिर से पिघल जाने दो मुझको, फिर से मेरा नाम लो। मैं वो शमा हूँ जो रोशन तुम्हें करके खुद तो पिघल जाऊंगी, सुबह का सूरज तुम्हारे लिए है, मैं हूँ रात ढल जाऊंगी। ऐसा मिलन फिर हो ना हो, सब कुछ मेरा तुम ही तो हो। बेपनाह प्यार है, आजा, तेरा इंतजार है, आजा, हो। बेपनाह प्यार है, आजा, तेरा इंतजार है, आजा। सुना सुना लम्हा लम्हा मेरी राहें, तन्हा तन्हा आकर मुझे तुम थाम लो, मंजिल तेरी देखे रास्ता, मुड़ के जरा अब देख लो। ऐसा मिलन फिर हो ना हो, सब कुछ मेरा तुम ही तो हो। बेपनाह प्यार है, आजा, तेरा इंतजार है, आजा, हो। बेपनाह प्यार है, आजा, तेरा इंतजार है, आजा। सुना सुना लम्हा लम्हा मेरी राहें, तन्हा तन्हा। वेलकम बैक टू माय चैनल, हाय हाय चैनल, हाय हाय चैनल। तो जी हम आ गए हैं और आज जो है रीडिंग लेके आए हैं, वही रोज का रीडिंग लेकिन रैंडम रीडिंग नहीं है। आज हम झटकेदार फीलिंग्स पता करने आए हैं, दो तीन दिन हो गए हैं तो पता लगा देते हैं कि क्या चल रहा है आपके, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उस पर्सन के बारे में, ठीक है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, थोड़ा सा पता लगाने की कोशिश करेंगे कार्ड से। बाकी तो कुछ ना कुछ तो चलता रहता है, सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा है तो यही है। वैसे क्या बोलने वाले थे हम, भूल गए। हाँ तो हम वैसे जो है पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए वैसे ये नहीं बोलने वाले थे, कुछ और ही बोलने वाले थे, हम भूल गए। पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं karmatarot1111@gmail.com पे। और साथ ही ये जो है हम अभी आपके पर्सन की झटकेदार फीलिंग्स पता लगाने वाले हैं, ठीक है, तो जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। और एक ज़रूरी बात क्या थी, अरे ज़रूरी बात जो है हम फिर से भूल गए खैर जो भी है, एक्चुअली हमें याद नहीं रहता आजकल, पता नहीं क्या ही हो रहा है। वैलेंटाइंस डे आ रहा है, आपको पता है ना वैलेंटाइंस डे आ रहा है, क्या ही करना है, हमारी ज़िंदगी में कोई है ही नहीं तो वैलेंटाइंस डे का क्या ही करना है। वैसे भी लोग बताते हैं, लोग मानते हैं, मतलब भाई बड़े एक्साइटेड होते हैं लोग वैलेंटाइंस डे, तो हमारी ज़िंदगी में कभी भी कोई वैलेंटाइन रहा ही नहीं है, तो क्या ही एक्साइटमेंट खैर कोई बात नहीं, सबकी ज़िंदगी अपने अपने, सबके अपने अपने नसीब होते हैं, जो भी है छोड़िए यार। क्या पता लगाते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की थॉट्स, क्या सोच रहे हैं इस वक्त, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, तो करंट एनर्जीज पता लगाएंगे, ठीक है। झटकेदार फीलिंग्स, झटकेदार। कलेक्टिव जनरल के लिए रीडिंग है, ओके, झटकेदार फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। अरे ये तो बहुत ही किंग ऑफ सोर्ड्स भाई साहब,
बहुत खतरनाक एनर्जीज में है भाई, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज नहीं है, समझ गए होंगे आप, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में है, ठीक है। गलती से भी इनको कांटेक्ट मत कीजिए, सांप के मुंह में हाथ डालने वाली बात होगी, ठीक है, एकदम काटने के लिए तैयार बैठे हैं भाई। लगता है किसी ने इनका काटा है। तभी अब जो है ये काटने के लिए बैठे हैं। खैर उसके बाद तो तुरंत बाद में ये कार्ड प्रकट हुआ है द लवर्स का, ठीक है। इस कार्ड के आने से पहले ही जो है हमने आपको बोल दिया था, बट हमें यही फील हुआ है इनका किसी ने काटा है, तो अब गुस्सा है इनको, तो ये आपको क्या जो भी है देखते हैं आगे, देखते हैं क्या एनर्जीज है। दो कार्ड एक साथ नहीं लिया, थोड़ा नहीं दिखाया था, उल्टा ही था तो लिया नहीं, जो भी होगा आना होगा, एक एक के, हाँ एक एक आए ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ओके, तो यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, ठीक है। ये पाइसीज एनर्जी है और लवर्स है जेमिनी, ओके आगे देखते हैं। वैसे एक बात बताएं, आपको कहीं ना कहीं फील तो हो रहा होगा, नहीं हाई प्रीस्टेस, ठीक है, आपको इस पर्सन को पता है कि इस समय जो है आप कहीं ना कहीं से पता लगा लेते हो इनके थॉट्स के बारे में, और एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अच्छा सुनिए, हम जो बता रहे थे हम भूल जाएंगे। अभी ना थोड़ा ग्रे शेड्स, आपको पता है ना ग्रे शेड क्या होता है, ग्रे थोड़ा ना वो वाइट होता है ना वो ब्लैक होता है, लेकिन ब्लैक में जब आप वाइट को मिलाएंगे तब ग्रे कलर बनता है ना, तो हमें ना बहुत ही ग्रे शेड वाली फीलिंग आ रही है कि कोई जो है अपना असली चेहरा दिखाना नहीं चाहता है। अभी इस पर्सन की एनर्जी किंग ऑफ सोर्ड्स की है, लेकिन लेकिन अगर तो ये आपसे बात करते हैं तो ये आपको वैसा दिखाएंगे नहीं कि ये फाइनल किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, मतलब ये आपको ऐसा इन क्या बोलते हैं उसको ऐसा शो करेंगे, ऐसा प्रिटेंड करेंगे। देखा, हर समय जो है हम शब्द भूल नहीं जाते, हमें भी याद आते रहते हैं। तो जी वैसे अभी आपको जो है प्रिटेंड करेंगे जैसे कुछ हुआ नहीं है, आई एम नॉट एंग्री, लेकिन ये एक्चुअली एंग्री हैं, ठीक है। हमें इनकी फीलिंग्स का पता लगाना है ना, और एट द सेकेंड मतलब दूसरे टाइम पे सेम टाइम पे दो दो कार्ड्स एक साथ आए हैं, नहीं ये तीन है, अब तो कतई नहीं लेंगे, तीन कार्ड थे, अपना थोड़ा नहीं दिखाया है। इस पर्सन को ऐसा लगता है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि आपको इनके बारे में सब पता है, वैसे पता तो होगा ही है भाई, भुक्त भोगी हैं, इतना सफ़र किया है, इनको भी कम थोड़ी ना झेला है आपने, तो पता तो होगा ही आपको इनके बारे में अच्छे तरह से। इसको पता है कि आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, और अभी भी इस पर्सन को ये फील होता है कि यार ये ना मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानता है या जानती है, तो इसके सामने ऐसा कौन सा थोबड़ा, ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन लेके जाऊँ जिससे ये पकड़ ना पाए कि मेरे असली इरादे क्या हैं। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ना इनका ना मन है कि ये आपसे बात करें, और ये कार्ड फ्लिप हुआ है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। देखिए सुनिए, जो हम ग्रे वाली बात कर रहे थे हम भूल जाएंगे, पहले मुद्दा की बात कर लेते हैं। इनके जो एनर्जीज है ना वो बहुत ग्रे है, ग्रे बोले तो काली एनर्जीज हैं, लेकिन उसमें ज़रा सा वाइट मिलाएंगे तब वो ग्रे हो जाएगा, तो ना काला है ना वाइट है, मतलब अच्छे इंटेंशंस भी नहीं है, बुरे इंटेंशंस भी नहीं है, ग्रे इंटेंशंस है, आप समझ रहे हैं, ग्रे तो मतलब थोड़ा सा कालापन है, थोड़ा सा गोरापन है। क्या बोल रहा है हमें खुद नहीं पता, लेकिन इनकी एनर्जीज थोड़ी ग्रेइश हो रही है, आप समझ रहे हैं, मतलब हमें खुद नहीं समझ में आ रहा, हम आपको क्या बताएंगे। अभी रुकिए, फाइव ऑफ पेंटिकल्स आया है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स के बाद फाइव ऑफ वॉन्ड्स आया है, हमने आपको बोला ही था कि ये आपसे बात करेंगे ना तो झगड़ा भी करने की कोशिश करेंगे और अपने आप को बेचारा भी दिखाएंगे। सुनिए हमारी बात ना अच्छी तरह से आप सुनिए, अरे रुकिए तो हम बताते हैं ना, बताते हैं। ये देखो,
फाइव ऑफ पेंटिकल्स आया, उसके ठीक नीचे फाइव ऑफ वॉन्ड्स आया। अभी रुकिए, हम पॉज कर रहे हैं क्योंकि पीछे बैकग्राउंड नॉइज़ है, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, प्लीज़ रुकिए। जी पीछे बैकग्राउंड नॉइज़ था तो हमको वीडियो पॉज करनी पड़ी थी, तो 10 सेकेंड हो गए उसके बाद। ये देखिए फिर अभी भी आवाज़ आ रही है, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना, और सच बताएं हमें बहुत गुस्सा आता है क्योंकि हम भूल जाते हैं ना यार, आपको तो पता है ना वर्टिगो है, हम भूल जाते हैं, हम दवाई चलती रहती है हमारी रेगुलर बेसिस पे, और वो एंटी डिप्रेसेंट की भी गोलियाँ होती हैं, तो यार वो खाते खाते हमारा थोड़ा दिमाग काम नहीं करता है यार। हम आपसे कभी कुछ छुपाते हैं क्या, बताइए, हम तो खुली किताब है, हम आपको सब बता देते हैं। खैर जो भी, हम क्या बता रहे थे वैसे, हाँ सुनिए, ये ना ऐसी एनर्जीज़ में हैं, ठीक है, अगर ये आपसे कांटेक्ट करते हैं, हालांकि हमें दिखाई दे रहा है कि इनकी एनर्जीज है कि ये कभी भी अचानक से ना आपसे आउट ऑफ सडन ये आपसे बात करेंगे अचानक से, क्योंकि देखिए प्यार तो है यहाँ पे, ठीक है, इनकी तरफ से ना हो आपकी तरफ से तो है ना, तो वो आपका प्यार ही इनको आपकी तरफ खींच के लेके आता है, तो ये हमें वो दिखाई दे रहा है। अभी जो हमें यहाँ पे मामला है वो ये है फाइव ऑफ वॉन्ड्स और फाइव ऑफ पेंटिकल्स का, तो ये पर्सन ना, इलेवन इलेवन देखा हमने, सुनिए ये पर्सन ना आएंगे आपसे बात करने के लिए, ठीक है, या हो सकता है कहीं आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वैसे हमें पता है कि आप लोग उनसे बात करेंगे नहीं खुद जाके अपना थोड़ा प्रकट करके, लेकिन इनका अगर इनिशिएटिव आता है ना तो ये ना लड़ेंगे भी आपसे, अचानक से इनका मूड स्विंग हो जाएगा, ठीक है, और ये ना लड़ेंगे भी और विक्टिम कार्ड भी प्ले करेंगे, अपने आप को बेचारा भी दिखाएंगे कि अरे पता है क्या हुआ था अरे क्या हुआ तो बताएगा बस मतलब विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे ये पर्सन, हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन टाइम पास वाली एनर्जीज आ रही हैं अभी, सच बताएं हम आपको, टाइम पास वाली एनर्जीज, कुछ एक्चुअल स्टेबिलिटी और कमिटमेंट वाली बात ना हमें अभी भी नहीं दिखाई दे रही है, क्या करें, हमें दिखाई नहीं दे रही ना, जब दिखाई नहीं दे रही तो हम क्या बोलें आपको, हम ये तो नहीं कह सकते ना कि जाओ यार जाओ अपना मुँह फाड़ के एकदम उसके पास चले जाओ, क्योंकि अभी भी इनके इरादे ना कुछ यार वो वाली बात नहीं है ना जो बात होनी चाहिए, अरे मतलब हीर रांझा वाली बात, वीर जारा वाली बात, ये वो वाली बात नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे ना वो टाइम पास वाली एनर्जीज आ रही है। अरे अरे बहुत सारे कार्ड्स, और यहाँ पर कार्ड फ्लिप हुआ है फाइव ऑफ सोर्ड्स, क्या बोला था हमने आपको, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स और फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड फ्लिप हुआ था, हमने लिया नहीं क्योंकि उसके नीचे भी बहुत सारे कार्ड्स थे जो ऐसे हो गए थे, तो एक साथ अगर उसको लेते तो सबको लेना पड़ता, तो तीन चार कार्ड्स हम एक साथ नहीं ले सकते, इसलिए हमने नहीं लिया, वैसे अगर आना होगा तो दोबारा आ जाएगा, कोई बात नहीं, आपके सामने ही शफल कर रहे हैं। डेविल का कार्ड दिखाई दिया ना हमें, दिखाई दिया आपको, हमने बोला था ना इंटेंशंस कुछ प्योर नहीं है, ग्रे शेड है ना, तो बोला ना काला और ग्रे कहाँ से अच्छा होता है, वाइट होता है ना बिल्कुल अच्छा, जो भाई क्लीन है, यहाँ पे हम आपको क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। थ्री ऑफ कप्स आया है उसके बाद, ठीक है, इनकी फीलिंग्स बता रहे हैं हम आपको, किसी दोस्त की मदद ले सकते हैं ये आपसे कांटेक्ट करने के लिए, आपसे कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है किसी दूसरे तीसरे चौथे बंदे से शायद आपसे कनेक्ट करवाने के लिए, किसी का बीच में इन्फ्लुएंस होता हुआ हमें नज़र आ रहा है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, कोई आप दोनों के बीच में अगर कोई भी खटपट चल रही है तो उसको किसी दूसरे थर्ड पर्सन के द्वारा ये हस्तक्षेप करवाएंगे, समझ गए आप खुद देख लो, ये कार्ड देख लो ज़रा, सेवन ऑफ कप्स है यहाँ पे, ठीक है, थ्री ऑफ कप्स के बाद सेवन ऑफ कप्स है, कितना काला इसका नेचर है, और जो बादल है वो वाइट नहीं है, ग्रे बादल है, जिसमें से बहुत सारे कप्स निकल के आ रहे हैं, जिसमें भ्रम फैलाने वाली, इल्यूजन फैलाने, बोला ना कि ये विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे अभी, इनकी एनर्जीज ऐसी है, बात करना चाहते हैं लेकिन बेचारा बनेंगे, लड़ेंगे भी,
अभी रुके, थोड़ा सा और देखते हैं भाई क्या चल रहा है इनके दिमाग में। कुछ ख्यालात कुछ वैसे ठीक नहीं है, ठीक है पहले बता देते हैं। एक भी हमें ऐसा कुछ लगा नहीं कि भाई ये बात जिसको हम बोले ना कि ये बात ये पर्सन बहुत जेन्युइन है ऐसा कुछ। चलिए वर्ल्ड का कार्ड आया है यहाँ पे, ठीक है लवर्स के ठीक नीचे आया है, ठीक है। तो देखिए ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, पहले हम बताते थे स्पिरिचुअल कनेक्शन है। जहाँ पर आप लोग सेम पेज पे नहीं होंगे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होगा। इस रिलेशनशिप को आगे अगर आप इस रिलेशनशिप का फ्यूचर देखना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप का एक अच्छा आउटकम देखना चाहते हैं, वो बहुत मुश्किल होगा अगर आप दोनों सेम पेज पे नहीं होंगे। सेम पेज पे होना क्या होता है, ये कोई कॉपी किताब नहीं है कि भाई तू भी पेज 42 पे आ जा मैं भी पेज 42 पे आता हूँ। ये यहाँ पे किताब नहीं खेल रहे हम लोग, यहाँ जो बात है ना वो कुछ। सेम पेज पे आना क्या होता है, जब आपको दुनिया की बातों से फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब आप दोनों एक दूसरे को इक्वल गिव एंड टेक देंगे। इक्वल गिव एंड टेक मतलब ये है कि हर समय अगर सामने वाला पर्सन अवेलेबल रहता है, आप वो हमेशा अवेलेबल रहता है, आप जो है उससे लिए चले जा रहे हैं। कैसे क्या ले रहे हैं, कहने का मतलब है उसकी अवेलेबिलिटी आप ले रहे हैं कि वो आपको लगता है कि वो हर समय आपके लिए अवेलेबल है। आप उससे जब भी कॉन्टैक्ट करते हैं कि भाई यहाँ आ जाओ, वो आ गए, यहाँ चलते हैं वो चल दिए, आप कुछ भी मांगते हैं वो आपको दे देते हैं। तो ये अवेलेबिलिटी है, ये ओवर गिविंग है, वहाँ सामने की तरफ से ओवर गिविंग हो रहा है और आप रिसीव किए जा रहे हैं, लेकिन बदले में आप क्या दे रहे हो उनको, आप तो सिर्फ उनसे लिए जा रहे हैं। वो भी आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि, और जब जब उनकी बारी आती है वो कभी आपको बोलेंगे कि चलो यहाँ मिलते हैं, आपने सिरे से आपने नकार दिया, तो बैलेंस ख़राब हो रहा है। आप हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, हम जस्ट आपको समझा रहे हैं कि इक्वल पेज पे होना किसे कहते हैं, सेम पेज पे होना किसे कहते हैं। यहाँ पे आप रिसीविंग मोड पे हैं, वो गिविंग मोड पे हैं, या फिर स्विच कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग हो रहे हैं, आप गिविंग मोड पे हैं, वो रिसीविंग मोड पे हैं, आप उनको दिए चले जा रहे हैं, वो लिए चले जा रहे हैं। लेकिन एक्सपेक्टेशंस की जब बात आती है ना, तो दोनों एक दूसरे के एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतर पा रहे हैं ना। कैसे भाई, जाहिर सी बात है आप गिविंग है, वो ले रहे हैं आपसे, आप उनको दिए चले जा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल अपने आप को निछावर ही कर दिया उन पर, लुटा दिया है। लेकिन जब उनकी बारी आती है वो आपको उस तरीके से फिर ट्रीट नहीं करते हैं, फिर आप रोते भी लगते रहते हैं कि यार इतना करने के बाद हमारे साथ ऐसा ट्रीटमेंट। तो कहाँ सेम पेज पर रहे और कहाँ इक्वल गिव एंड टेक हुआ, बैलेंस बिगड़ गया ना। ये देखिए स्पिरिचुअल कनेक्शन है, पहले बता रहे हैं जो लोग आज रीडिंग देख रहे हैं, ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए आया है और सिखा कर ही जाएगा। ऐसे तो आपका इस चीज़ से पीछा छूटेगा नहीं, पहले ही बता दे रहे हैं, ठीक है। फाइनल कार्ड ले रहे हैं हम, ये देख लो फाइनल कार्ड क्या है, ये देख लो सेवन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन दिखाई दे रहा है जो लड़ रहा है, ओनली वन। यहाँ पे इतने सारे अवेलेबिलिटी है, बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन सिर्फ एक ही इंसान है जो लड़ रहा है। बहुत सारे लोग नहीं भी हो सकता है ये किसी एक ही पर्सन हो जो सिर्फ दिए चले जा रहा है या फिर लिए चले जा रहा है, और ये एक ही पर्सन है जो उस चीज़ को या तो रिसीव कर रहा है या उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा दे रहा है। ये आप भी हो सकते हैं, ये सामने वाला पर्सन भी हो सकता है। यहाँ पर बैलेंस की बहुत कमी दिखाई दे रही है, इसलिए ये चीज़ें हो रही है। और ये हमने आपको बोला है कि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आना लवर्स के ठीक नीचे, तो डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये आपके लाइफ का एक ऐसा पड़ाव है जिसको आपको खुद पास करना है खुद, ठीक है। ये आपके लिए एक टेस्ट है, एक लेसन है जिसको आपने कंप्लीट भी करना है, एक टेस्ट है जिसको आपने पास भी करना है, ठीक है। अरे 50% मार्क्स ले आओ यार, हम नहीं कह रहे आपको 90% मार्क्स लाने के लिए, ठीक है, हम खुद पे 50% वाले हैं, तो हम आपको क्यों बोले कि 90 लाओ। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पर ना इंटेंशंस किसी की ना ज़्यादा प्योर हमें दिखाई नहीं दी, ठीक है। हालांकि कोई एक पर्सन सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट की आशा रखता है, ये आप होंगे डेफिनेटली, क्योंकि आप ही रीडिंग देख रहे हैं, आपको ही अपने पर्सन की फीलिंग्स का पता लगाना है।
यू आर सीकिंग फॉर अ कमिटमेंट, अ स्टेबल कमिटमेंट, अ जेन्युइन कमिटमेंट. बट यहाँ पर जेन्युइन कमिटमेंट के हमें कोई भी आसार नहीं दिखाई दे रहे, आई एम सो सॉरी. लेकिन क्योंकि फिलहाल कोई कमिटमेंट ही नहीं दिखाई दे रही, जेन्युइन की बात तो दूर की है, कोई कमिटमेंट नहीं दिखाई दे रही है. बस ये है कि दिस पर्सन वॉन्ट्स रीस्टार्ट, ठीक है, दोबारा से चीज़ों को ज़रा सा एक धीरे धीरे, वो मोमबत्ती होती है ना, वो धीरे धीरे बुझने वाली होती है, लास्ट में जब पिघल रही होती है, बिल्कुल लास्ट में ख़त्म होने वाली है, उसका अचानक से ना फिर से स्पार्क उसका उठता है कि मैं नहीं बुझूंगा अभी, मैं मेरे में अभी भी जो है आग बाकी है. तो थोड़ा सा अचानक से फिर से वो स्पार्क होता है ना, तो ये पर्सन चाहते हैं कि भाई बहुत ठंडा पड़ रहा है, ये फुसकी बम है जो है वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, फुस हो रहा है, तो इसको है थोड़ा सा ना स्पार्क लेके आते हैं. तो ये रीइग्नाइट करना चाहते हैं, जस्ट रीइग्नाइट. लेकिन वही है कि ये रीइग्नाइट अगर बहुत ही धूं धूं करके जलेगा, या फिर से जो है जल के एकदम से बुझ जाएगा, बिल्कुल सत्यानाश, मतलब ख़त्म. क्योंकि हमने बोला ना कि ग्रे शेड है, वो वाली फीलिंग नहीं आ रही कि हम आपको बोले कि यार आपको ये पर्सन तो बहुत प्रेम करते हैं, भाई मरे चले जा रहे हैं आपके लिए. कोई नहीं मर रहा है, कोई नहीं मर रहा है, और कृपया आप भी ना मरे इनके लिए, ठीक है, आप भी ना मरे इनके लिए. ऐसे लोगों के लिए मरने की क्या ज़रूरत है यार. ये अगर आपसे बात करेंगे ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ पहले तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, टर्बुलेंस के बहुत ज़्यादा आसार हैं, और उसके बाद फिर छोटा आप ही को दिखाएंगे, विक्टिम मोड प्ले, विक्टिम कार्ड अपना प्ले करेंगे कि ऐसा हुआ था, हमने बोला ना ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, तुम चली गई थी तो ये हमने तकलीफ़ें देखी, और ये हुआ था, मैं इतने टाइम कहाँ गायब थी या था, मैंने ये अरे मतलब दुखड़ा सुन लीजिएगा आप लोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. कान तो आपके अपने हैं ना, ये तो नहीं कह सकते कि कान अपने खोल के टेबल पे रख दो, तो ऐसा तो होगा नहीं. तो आपके कान आप पे लगे रहेंगे तो आपको सुनना तो पड़ेगा, तो सुन लेना, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, सुनने में क्या दिक्कत है. तो वैसे भी हमने आपको बोला ना कि किसी का अगर पेन आप सुन लेते हैं तो यू आर अ हीलर, यू आर एन एम्पैथ. तो अगर आप किसी को जेन्युइन रूप से हेल्प करना चाहते हैं तो ठीक है, ये भी उन्हीं इंसानों में से एक है, इनका भी कोई दुख दर्द होगा, तो सुनने में क्या दिक्कत है, सुन लो. बाकी एनर्जीज़ के हिसाब से आपको झटकेदार फीलिंग्स हमने आपको बता दी है कि विक्टिम कार्ड प्ले करने के मूड में है, ठीक है, कहाँ पर स्टक हूँ, कहाँ पर क्या था, ये था वो था, जिंदगी में जिंदगी मेरी झंड है. अरे भाई तुम्हारी ज़िंदगी झंड है तो तुम हमारी ज़िंदगी क्यों झंड कर रहे हो भाई, साफ सीधी बात है ना. तो ये देखो कार्ड्स को समेट के ये कार्ड आया है. तो हमने बोला ना कि लड़ाई 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 माफ़ करो, अपनी टट्टी साफ करो. तो ये वही है कॉन्फ्लिक्ट्स. हम नहीं चाहते कि वैलेंटाइंस वीक आ रहा है, वैलेंटाइंस का टाइम आ रहा है, तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको बड़ी एक्सपेक्टेशंस होंगी कि कुछ अच्छा हो जाए हमारी ज़िंदगी में वैलेंटाइंस पे. ठीक है भाई, सेंट वैलेंटाइंस जो हैं वो भी एक, उनका भी एक स्टोरी है, ठीक है, क्यूपिड होता है, उनका तीर आपके दिल पे लगता है, ठीक है. तो भाई नसीब नसीब की बात होती है, रियल लव मिलना, बहुत ही बेहतरीन कार्ड हमें बॉटम ऑफ द डेक दिखाई दिया है, फूल का कार्ड. अपनी एनर्जीज में रहो यार, खुश रहो, ठीक है. किसी एक पर्सन के चले जाने से या किसी एक पर्सन के आने से आपकी ज़िंदगी में ना वो कलर्स नहीं भर जाते, आपकी ज़िंदगी आपकी है, एक ही ज़िंदगी मिली है, ठीक है. अगले जन्म का किसको क्या पता है, पिछले जन्म का भी क्या ही पता है, बस ये पता है कि पिछले जन्म के कर्म ऐसे खराब रहे हैं तभी हम लोगों की ज़िंदगी जो है ऐसी दुर्गति है हम लोगों की. तो हम लोगों को अपने कर्म सुधारने की ज़रूरत है, तो अपने कर्म सुधारिए, अच्छा रहिए, ताकि अगला जन्म में आपको ये तकलीफें ना हो, ऐसे टैरो रीडिंग्स के भरोसे ना रहना पड़े और ये दुख दर्द ना देखें. तो हालांकि आप लोग बहुत स्पिरिचुअल बंदे हैं, आप लोग बहुत खुदा के नेक बंदे हैं, ईश्वर के सच्चे परिंदे हैं आप लोग, यार संतान हो ईश्वर की, यू आर गॉड्स चाइल्ड. आप लोगों से किसी का दुख दर्द पीड़ा नहीं देखा जाता, आई नो, लेकिन फिर भी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड. इस बात को हमेशा याद रखिए. वैसे भी हमें पता है कि इस चैनल पर जो लोग हैं वो कम से कम ये तो मानते ही हैं कि हाँ अच्छा करने से बहुत अच्छा मिलता है और बुरा करने से उससे भी बुरा मिलता है. तो चलिए, ये थी आप लोगों की रीडिंग, जितना रेजोनेट हुआ उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा, ठीक है.
खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए. डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड. गॉड ब्लेस यू एवरीवन. हमारा आशीर्वाद भरवर के है. ये लो फेंक के मारा है, कैच कर लेना, ठीक है. और थोड़ा सा आशीर्वाद हमें भी फेंक के मारना. और क्या बोलना था, और क्या बोलना था, एक ज़रूरी बात बोलनी तो थी हमें, याद नहीं आ रहा. गॉड ब्लेस यू एवरीवन. अभी भी याद नहीं आया. खैर जो भी है, ये वो क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, ठीक है. पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है और आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं karmatarot1111@gmail.com पे, ठीक है. तो भाई अभी हम चलते हैं. और ज़रूरी बात हमें अभी भी याद नहीं आई. अगर याद आ गई तो हम कमेंट सेक्शन में जो है लिख के आपको बता देंगे कि हमें क्या याद आया था. वैसे हमें लगता नहीं है कि हमें याद आएगा, क्योंकि आपको पता ना हमें वर्टिगो है. तो चलिए अभी हम चलते हैं. तो अभी के लिए बस इतना ही. बाय.